सरप्राइज। छी यार, मेरी पत्नी हो गए किसी गैरमर्द के साथ रात बिता रही है, मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है। अरे मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ कि मैं उसके शौक पूरे कर सकूँ, और मैं तो इतने दिनों के बाद घर पे आया था कि उसको सरप्राइज दूंगा, यहाँ तो उसने मेरे को ही सरप्राइज दे दिया। संजू का फोन। हेलो, हाय संजू, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, कहाँ पे है तू? घर पे ही हूँ मैं। अच्छा घर पे है। वो मैं ये कह रहा था, मैं ना घर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ। ठीक है। इसको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। पंकज जल्दी उठो, पंकज। क्या हो गया? संजू आ रहा है घर पे, उसका फोन आया अभी। क्या बात कर रही है? लेकिन तूने तो कहा था कि वो आज नहीं आएगा, 2 दिन बाद आने वाला है। हाँ, उसने मुझे यही कहा था, लेकिन फोन आया उसका भी कि वो आ रहा है। तुम एक काम करो, प्लीज जल्दी से वहाँ छुप जाओ। जाओ छुप जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, पकड़ लेगा काम का। अरे अरे, वहां से वो आएगा, वो तुम्हें देख लेगा, तुम यहाँ क्यों नहीं जा रहे? मैं देखती हूँ, अंदर छुप जाओ तुम। अरे संजू, तुम आ भी गए? हाँ नहीं, मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज जो मैं तुम्हें बिना बताए आ गया हूँ? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? हाँ, दिखाऊं? हाँ। ये देखो, ये सब क्या है संजू? अच्छा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। और हाँ, तुम खुद बुलाते हो अपने आशिक को या फिर मैं ढूंढ के निकालूं उसको यहाँ से? कौन आशिक? यहाँ तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। चुप और बंद करो अपनी बकवास। मुझे ना तुम्हारे और पंकज दूध वाले के बारे में सब पता चल गया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। और मुझे ये भी पता है वो हमारे घर के अंदर छुप के बैठा है। उसे यहाँ तो बुला के लेके आओ, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगा। पंकज, मुझे पता है तू मेरे घर में छुप के बैठा है। ओ तेरी, ये तो सबको पता लग गया मेरे और मैडम के बारे में। मैं क्या करूं, कैसे यहां से निकलूं? या तो अपने आप बाहर आ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे ओए, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई क्या? और तू, अरे तुझसे तो इतना प्यार करता था मैं, तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। मैं तेरे लिए घर से बाहर रहता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तेरे शौक पूरे कर सकूँ, और तू ये शौक पाल के रखती है। मेरी बात कान खोल के सुनो, अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तुम्हें ये दूधिया पसंद था ना, तो इस दूधिया के साथ ही रहो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे और मेरे घर के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो।